दोस्तों नमस्कार, मैं जी चक्रवर्ती आपको मेरे किचन में स्वागत करता हूँ। आज हम बनाएंगे एक बंगाली हेल्दी रेसिपी शुक्ता। पापाया से बनने वाली ये रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक पेस्ट बनाना है अदरक और सौंफ का। सौंफ और अदरक डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसको हम इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसको साइड में रखते हैं। एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पपाया को पतले पतले पीसेस में इस तरह से मैंने काट के धो लिया था। अब इसको सौंफ और मेथी के साथ एक छौंका लगाया। एक्चुअली शुक्ता मेथी से ही बनता है। मेथी का छौंका लगा के ही शुक्ता बनता है। तो मैंने थोड़ा सा सौंफ भी ऐड किया, पेट के लिए सौंफ भी अच्छा होता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा टाइम हमको जस्ट पकाना है। अब इस पे मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। अब इसमें वो वाला जो पेस्ट सौंफ और अदरक का मैंने बनाया था उसको मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये पानी सूखने तक हमको पकाना, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी बनने वाला है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम 5 मिनट तक हमको स्लो फ्लेम में इस तरह से मीडियम स्लो फ्लेम में हमको इस तरह से पकाना है। तो अब मैंने और एक हेल्दी चीज़ मैंने डाल दिया, करी पत्ता। एक्चुअली करी पत्ता नहीं डाला जाता इसमें, एक हमारे यहाँ थनकुनी पत्ता बोल के आता है उसको डाला जाता है। तो वो नहीं मिला, वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए करी पत्ता मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा हल्दी इसलिए डाला, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा। और हल्दी आप ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इस सब्ज़ी को देखिए, पानी मेरा सूख चुका है, सब्ज़ी हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है। सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं, गर्म होने तक पकाना है। तो सब्ज़ी गर्म हो चुका है। अब इसमें हमको हम पानी डाल के 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में एक ढक्कन लगा के हमको पकाना है। थोड़ा सा हम चला लेते हैं बढ़िया से, इस तरह से एक उबाल आ जाए। अब इसमें हमने ढक्कन लगा दिया, 10 मिनट तक हमको स्लो फ्लेम में इसको पकाना है ताकि सब्ज़ी अच्छा से पक जाए। 10 मिनट हो चुका है, यह सब्ज़ी बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें हम क्रश किया हुआ पेपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया, काली मिर्च। ये ऑप्शनल है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैंने ये ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ डाला। आपको स्पाइसी नहीं खाता मत डालिए, और पेट के लिए बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी, पेट के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो इसको बनाइए, बना के इस तरह से बना के खाइए। बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है, पेट पूरी तरह से आपका जो है साफ़ करने वाली ये रेसिपी है। तो इस तरह से आप प्लेन राइस के साथ इसको ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।